नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कान बहने की। यह बड़ी कॉमन समस्या होती है जो बहुत लोगों को होती है कि उनका कान बहता रहता है और यह एक वक्त चल के बहुत बड़ा इन्फेक्शन के रूप में परेशान करता है। आज हम बताएंगे साथियों आपको 10 अचूक होम्योपैथिक दवाएँ जो आपके कान बहने की स्थिति को रोकने में समर्थ हैं। दवाएं बताने से पहले साथियों आपको बताना चाहेंगे कि दवाएं बहुत असरदार हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा। चिकित्सक से पूछ कर ही कोई भी दवा लीजिएगा। चलते हैं साथियों उस सफ़र पर जिस पर आपको बताते हैं कान बहने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नंबर एक दवा साथियों जो होम्योपैथी में कान बहने से रोकने की है वह है काली सल्फ्यूरिकम। अगर आपका कान बह रहा है उससे मवाद निकल रहा है तो काली सल्फ ऐसी दवा है जो 90% केसेस में हमने देखा हमारे क्लिनिक पे मरीजों पे काम करती है, उनको लाभ देती है और कान बहना रोक देती है। इसका पस नॉर्मली पीला होता है, चिपचिपा होता है और यह आपको रात में ज़्यादा परेशान करता है, कान भरा भरा सा लगता है। तो अगर आपका कान बह रहा है तो आप काली सर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। 90% केसेस में यह ही दवा अपने आप में सक्षम है कि आपका कान बहना रोक दे। एक और साथियों बहुत कारगर दवा है जो नंबर एक दवा में शामिल है आपके ईयर के डिस्चार्ज को रोकने के लिए काली सल्फ के साथ, या उससे भी बेहतर दवा मैं कहूँगा वह है कैल्केरिया सल्फ्यूरिकम। कैल्केरिया सल्फ 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। जब आपके कान से बदबूदार और चिपचिपा पानी आ रहा हो, कैल्केरिया सल्फ निश्चित दवा है आपके बहते कान को रोकने की, आपको लाभ देने की और आपके कान को और आपके माइंड को इन्फेक्शन होने से सुरक्षित। फिर एक स्थिति आती है साथियों जो आपके कान से मवाद निकल रहा है, डिस्चार्ज निकल रहा है, वो बहुत गाढ़ा है, इतना गाढ़ा कि तार की तरह आप उसको खींच सकते हैं लंबा। तो अगर यह स्थिति हो साथी हो तो इस स्थिति से निपटने के लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है काली बाइक्रोम 30। काली बाई 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको नज़ला रहता हो, आपका कान बहता हो, कान से बहुत चिपचिपा पानी निकलता हो पीले रंग का, जिसको आप तार के रूप में खींच सकते हो, तो काली बाइक्रोम आपकी मदद करेगी और आपके कान बहने को रोकेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि आपके कान में बह रहा है और साथ में आपके कान के आसपास इन्फेक्शन हो गया, पपड़ियाँ पड़ गई हैं। अगर यह स्थिति आप अपने में देखें तो इस स्थिति से निपटने, आपके कान को बहने से रोकने और आपके इस एलर्जी को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा है होम्योपैथी में कार्बोनिकम सल्फ्यूरिकम। कार्बोनियम सल्फ 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपका कान बह रहा हो, कान के आसपास पपड़ी पड़ रही हो और कान से बदबू दुर्गंध महसूस हो रही हो, तो कार्बोनिकम सल्फ उस स्थिति में आपकी मदद करेगी। फिर साथियों एक और स्थिति आती है आपके कान बहने में कि आपके कान से बहुत मवाद निकल रहा हो, लग रहा हो अंदर घाव हो गया है। तो अगर यह स्थिति हो कि बहुत बदबूदार आपके मवाद निकल रहा हो जो बहुत ऑफेंसिव हो, जिसमें दुर्गंध हो, तो उस स्थिति को ठीक करने और आपको कान को सुखाने की बहुत कारगर दवा है हिपर सल्फ्यूरिकम। हिपर सल्फर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा आपके कान बहने को रोकेगी, अंदर जो नेक्रोसिस या डीके हो रहा है उसको भी ख़त्म करेगी। एक स्थिति आती है साथियों आपका कान भी बह रहा हो और आपकी आंखों से भी पानी आ रहा हो, तो अगर यह स्थिति हो कि आपका कान भी बह रहा हो और आपकी आंखों से भी पानी आ रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है एसिडम नाइट्रिकम। आप नाइट्रिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपका कान बहना भी रोकेगी और आपकी आँख के पानी को आने को भी खत्म करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि आपके कान बहने में आपको बहुत बदबूदार मवाद निकल रहा हो और हड्डी तक के टुकड़े निकल रहे हो, नेक्रोसिस हो गई हो कान में, हड्डी तक के उसमें टुकड़े आ रहे हो, तो अगर यह स्थिति आप में है कान बहने में, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सोराइनम।
आप सोराइनम 1 EM की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह दवा आपका कान बहना भी रोकेगी, कान में जो अंदर नेक्रोसिस हो रही है, टिश्यू का डिके हो रहा है, उसको भी रोकेगी और आपको आने वाले वक्त में होने वाली बहुत बड़ी समस्या से बचाएगी। एक स्थिति साथियों आती है कि जब आपके कान बहने की बहुत पुरानी कंडीशन हो और आज की स्थिति में अब आपको सुनना भी कम हो गया, आप ऊंचा सुनाई देने लगा हो, तो अगर यह स्थिति हो कि आपको ऊंचा सुनाई पड़ने लगता है, पार्शियल हियरिंग लॉस हुआ है आपके कान अत्यधिक बहने की स्थिति में, तो उस स्थिति को ठीक करने की भी होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है वियोला ट्राई। वियोला को आप 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके कान बहने को भी रोकेगी और आपके जो हियरिंग लॉस हुआ है, पार्शियल हियरिंग लॉस, उसको भी ठीक करके लाभ देगी। साथ में इस स्थिति में आप एक और दवा जोड़ सकते हैं, वह है काली म्यूरेटिकम। काली म्यूर 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना पार्शियल हियरिंग लॉस को रिगेन करने का सबसे अच्छी होम्योपैथी में दवा है। तो आप इसको वियोला के साथ जोड़ के क्लब करके वियोला ओडोराटा के साथ आप इसको भी ले सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके कान से हरर डिस्चार्ज आ रहा हो, वो डिस्चार्ज कान बहने से पानी निकल रहा हो जिसमें हरापन हो, तो अगर यह स्थिति आप में है कि आपके ग्रीनरी डिस्चार्ज है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मर्सोल। मर्सोल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। जब आपके कान से हरा दुर्गंध युक्त मवाद या पानी आ रहा हो, तो मर्सोल आपको ठीक करके आपको लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके कान बहने की इतनी क्रॉनिक कंडीशन है कि पूरा ईयर ड्रम ही खराब हो गया। अगर यह स्थिति आप में है कि आपके कान बहने की ऐसी कंडीशन है कि पूरा ईयर ड्रम ही खराब हो गया है, तो उसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपका कान बहने का बड़ा क्रॉनिक, बड़ी पुरानी कंडीशन हो और आपकी अब हड्डी तक अंदर गल गई हो, तो ऑरम मेटालिकम आपकी मदद करेगी, आपके कान को ठीक करेगी और आपको लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि आपके सफ़ेद मवाद आ रहा हो, अगर सफ़ेद मवाद आपके कान से आ रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैल्केरिया कार्बोनिकम। कैल्केरिया कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके कान से बहुत ज़्यादा मवाद आ रहा हो जो कि सफ़ेद रंग का हो, आप फेयर फैट एंड फ्लैबी हो, यानी थोड़े मोटे और थोड़े थुलथुल हो, और आपको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और सर से बहुत पसीना आता हो, अगर इतने सारे सिम्टम आप में मैच करें तो कैल्केरिया कार्ब आपकी दवा है। इसकी एक खुराक आपका कान बहना रोक सकने में समर्थ है। एक स्थिति साथियों आती है कि आपका कान बह रहा हो और वो जो मवाद उससे निकल रहा हो, पानी निकल रहा हो, उसमें मछली ऐसी बदबू आ रही हो और साथ में ब्लड भी आ रहा हो, तो अगर यह स्थिति आप में है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है टेल्यूरियम। आप टेल्यूरियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपका कान बहना रोकेगी उस स्थिति में जब वह मछली की तरह बदबूदार मवाद निकल रहा है और साथ में ब्लड भी आपके कान से आ रहा है, उस स्थिति में टेल्यूरियम आपको लाभ देके आपको ठीक करने में मदद करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके इतना ज़्यादा मवाद बह रहा है कि वो पूरा स्किन को पूरा टपक ऐसा रहा है, उतना ज़्यादा मवाद आपके कान से निकल रहा है और आपको नज़ला बहुत जल्दी होता है और कब्जियत रहती है। अगर यह स्थिति आप में है कि आपके बहुत ज़्यादा मवाद बह रहा है, आपकी स्किन को बाहर आके टपकने वाली स्थिति पैदा हो रही है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ग्रेफाइटिस। आप ग्रेफाइटिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके इस मवाद को भी रोकेगी और आपको पूरी तरह ठीक करेगी। एक साथियों बहुत कॉमन स्थिति आती है बच्चों में, बच्चों के जब कान बहता है तो उससे माता पिता बहुत परेशान रहते हैं। बच्चों में कान को बहने से रोकने की बहुत अच्छी दवा है गर्टनर। आप गर्टनर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार अपने बच्चे को दे सकते हैं। यदि वह थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा थुलथुल है, वीक है और उसका कान बहुत बहता है और कान में दर्द होता है, उस स्थिति में यह दवा आपको फ़ायदा देके आपको लाभ देगी। ये साथियों को दवाएं थी कान बहने की स्थिति को लेकर। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि दवाएं तो ये कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। होम्योपैथी में हर व्यक्ति के हिसाब से दवाएं भिन्न होती हैं।
आपके मन में कोई क्वेरी हो साथियों तो आप YouTube या WhatsApp पे हमको आप क्वेरी लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी बात का संतोषजनक जवाब दे पाएं। वीडियो साथियों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।